पठानकोट हमले का होगा इंसाफ, गिरफ्त में आएगा आतंकी, घिर रहा है शिकंजा, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी, मसूद अजहर पर कसा शिकंजा। भारत के प्रयासों को लगता है अब मंजिल मिलने वाली है। भारत पठानकोट हमले पर लगातार जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जिम्मेदार मानता रहा है और पाकिस्तान से उसके खिलाफ लगातार कदम उठाने की भी बात करता रहा है। पाकिस्तान की टीम तो भारत पठानकोट मामलों की जांच के लिए भारत आई थी, लेकिन अब बारी भारत की है और अब भारत के प्रयासों को रास्ता मिलता दिख रहा है। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर जनवरी माह में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर सहित तीन के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। जानकारी के अनुसार इंटरपोल ने मसूद अजहर के भाई रऊफ और मुख्य हैंडलर काशिफ जॉन के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए गए सबूतों के आधार पर इंटरपोल ने ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए। सूत्रों की माने तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की फॉरेंसिक रिपोर्ट से आतंकियों की मूवमेंट के सबूत मिले हैं। FBI ने आतंकियों की मूवमेंट की पुष्टि भी की है। ये भी सामने आया है कि आतंकियों ने मसूद को कॉल किए थे। FBI ने आतंकियों की मूवमेंट की पुष्टि भी की है। ये भी सामने आया है कि आतंकियों ने मसूद को फोन किए। आपको बता दें कि पठानकोट हमले की जांच के लिए NIA की टीम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए लिखित अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। पाक PM नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने बीते दिनों संकेत दिए थे कि NIA की टीम के दौरे संबंधी भारत की अपील पर विचार कर सकता है। ऐसे में ये नोटिस भारत के आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।